नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। जलवायु परिवर्तन ने देश दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। कई सालों में बेमौसम बारिश, कम वर्षा, भीषण गर्मी का कई जगहों पर है भारी असर। जलवायु परिवर्तन से राहत पाने केंद्र और राज्य सरकारों ने जारी किए हैं कई गाइडलाइन। जिले की आबोहवा जल संरक्षण को बचाने जिला पंचायत की जारी है बड़ी मुहिम। जिले में पदस्थ होने के बाद पर्यावरण प्रेमी अधिकारी सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह ने कई पंचायतों में बदल डाली तस्वीर। काम और जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे जिला पंचायत सीईओ। ग्रामीण इलाकों की दर्जन भर पंचायतों में छोटी बड़ी नदी नालों के पानी को रोकने, साफ सफाई के साथ कचरा निकालने की जारी है कवायद। नदी नालों के किनारे मजबूत सीमेंट दीवार निर्माण ने रोक डाली। वेस्टेज पानी को बराबर, ग्रामीणों को मिलेगा पानी। गांव गांव प्लांटेशन के लिए पंचायतों को किया जा रहा प्रोत्साहित। ज्यादा पेड़ लगाने वाली पंचायतें होंगी सम्मानित। सीईओ गजेंद्र सिंह ने छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में पर्यावरण को बचाने के लिए किए गए कार्य के लिए हो चुके हैं सम्मानित। सिंगरौली से गणेश सिंह विशाल की रिपोर्ट। लगी हुई एक हमारी कंचन नदी है, आपको ध्यान होगा कि फुलवारी में जहाँ पे काचन डैम बना 1975 में, और ये एक बड़ी नदी लगभग लुप्त प्राय हो गई। इसको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास मनरेगा के माध्यम से हमने 7 पंचायतों में प्रारंभ किया गया है, और इसके माध्यम से हमने जमीन का सीमांकन करा के पूरी जमीन में हमने एक तो उसको डेसिलेटर किया है, उसकी गाद निकालने का काम किया है, घाट के सुधार कार्य किए हैं, और इस पूरे कार्य में सामुदायिक आवेष्टन, पूरे समाज का भी जुड़ाव निकल के आ रहा है। ये बड़ी उल्लेखनीय बात है, क्योंकि वर्तमान में वर्षा काल है तो हमने जितने भी उपलब्ध शासकीय रकबे हैं नदी के साथ लगे हुए, उसमें व्यापक पैमाने पर सुरक्षा करके पौधरोपण का भी काम किया है। इसमें भी समुदाय की पर्याप्त भागीदारी है। नदी में जल को किस तरीके से हम रोकें और उसकी आवक को हम सुनिश्चित करें और एक निश्चित परिमाप का जल हम रोक सकें, इसके लिए हम लगभग 9 के आसपास हम उसमें क्रॉस स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं। चूँकि नदी की काफ़ी चौड़ाई है, 120 मीटर है, कहीं कहीं 80 मीटर है, बड़ी चौड़ी नदी है, तो इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर गैवियन कम मैसनरी स्ट्रक्चर किया। ये एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें कि हमने कॉन्क्रीट का बहुत कम प्रयोग किया है और स्टील आयरन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है। स्थानीय स्तर पर ही हमें जिस प्रकार के सोले और स्टोन हमें उपलब्ध है उसको ही हम लोगों ने लगभग 4 मीटर नीचे से पर्याप्त चौड़ाई का लेके और वायर मैश और उसमें कंक्रीट की कोपिंग करके हमने उसको बनाने का काम किया है। लगभग 1.2 मीटर वाटर तब पूरी 120 मीटर के स्ट्रेच में रुकेंगे और ये पीछे लगभग 500-600 मीटर की गहराई में रुकेगा। तो इससे हम जो उपलब्धि मानते हैं वो ये कि एक तो स्थानीय स्तर पर जल की आपूर्ति हो सकेगी, निस्तारी जल, सिंचाई का जल, और इसके साथ ही आसपास के जो धरातल है उसमें जल स्तर की बढ़ोतरी सुनिश्चित हो सकेगी, और प्रत्येक ग्राम में जब ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे तो ये पूरी नदी का जो स्ट्रेच है, ये जो पूरी स्ट्रीम है, ये पूरी हरित हो जाएगी। इससे न केवल नदी पुनर्जीवित होगी लेकिन सामाजिक तौर पर भी हम इसमें समृद्धि और लोगों के लिए एक अच्छी स्थिति दे रहे हैं। सर, क्या माना जाए कि आने वाले समय में अपने जिले के और भी पंचायतों में जहाँ नदियाँ छोटी बड़ी होंगी वहाँ भी इस तरह के स्ट्रक्चर तैयार कराए जाएंगे? लगभग 7-8 नदियों पे हम लोग अपनी अपनी सीमाओं में काम कर रहे हैं। हमारे लिए लिमिटेशन ये होती है कि अलग से किसी तरीके का बजट नहीं है, यद्यपि इस कार्य में भी हमें ज़िले में उपलब्ध डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का एक बड़ा सपोर्ट समर्थन मिल रहा है। माननीय कलेक्टर सर ने इसमें 53 लाख का एक कार्य DMF से स्वीकृत करके हमें दिया है,